मंत्री जयनारायण व्यास नगर से हूँ और मेरा विषय है पर्यावरण। मैं कक्षा तृतीया को पढ़ाती हूँ और मैं इसके बारे में आपको बताऊंगी। पाठ का नाम है रिश्ते नाते। पिताजी के पिताजी आपके लगते हैं दादाजी, माँ की बहन मौसी जी, पिताजी के माताजी दादाजी और पिताजी के छोटे भाई आपके चाचा जी, चाचा जी की पत्नी चाची जी, माँ के पिताजी नाना जी, पिताजी के बड़े भाई ताऊ जी, माँ के भाई मामा जी, पिताजी की बहन बुआ जी और माँ की माता जी आपके लगती है नानी जी। गांव में अधिकांश परिवार संयुक्त रूप से रहते हैं एवं घर का मुखिया घर की बागडोर संभालता है। संयुक्त परिवार में रहने के कारण बच्चे पारिवारिक रिश्तों को जानते हैं, जैसे दादा दादी, काका काकी, ताऊ ताई, बुआ फूफा, भैया दीदी आदि। दादा दादी एवं बड़ों से बच्चों को अच्छे संस्कार सीखने को मिलते हैं। प्रत्येक व्यक्ति की रुचि एवं पसंद अलग अलग होती है। व्यक्ति अपनी विशेषताओं के आधार पर कार्य कर घर में आर्थिक सहयोग भी करता है। इसलिए हम कहते हैं कि संयुक्त परिवार में रहकर बच्चा बहुत ही अच्छे संस्कार सीखता है अपने बड़ों से। तो इसमें गृह कार्य है, हमें रोज क्यों नहाना चाहिए। दूसरा है, घर में आपको कौन कौन कहानी सुनाता है। आपके परिवार में आर्थिक सहयोग कौन कौन करता है। आपकी अपनी रुचियां लिखिए। ये आपका गृह कार्य। धन्यवाद।